علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو ملازم تھے علی بخش، اس سے پوچھا قدرت اللہ شہاب صاحب نے، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ علامہ صاحب خود بھی کبھی کبھار کچھ گنگناتے تھے، گاتے تھے، تو علی بخش پہلے تو چپ رہا، پھر اس نے کہا کہ ہاں بس ایک ان کا کلام ہے ایسا، ہر وقت جب تخلیے میں ہوتے اسے گنگناتے تھے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ تو یہ جو منتظر ہے حقیقت، وہ یہی ہے کہ ہمیں واقعتاً لباس مجاز میں یہ نظام نظر آ جائے جس میں رزق کی مساوی تقسیم ہو، گورنمنٹل اتھارٹی ہو، رول آف لا ہو، اللہ کی بادشاہی ہو، دنیا یہ جنت بن جائے۔ ایسی جنت تو کہا ہے کہ ایسی، اگر ایسا نظام قائم ہو جائے تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ جو چیز ہے، ہم مونا جی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں سنائیں۔
चाहता हूं कि आप देखिए, ये इतना मुश्किल गीत है कंपोजिशन के एतबार से, ताल को देखिए, इसमें दादरा भी बजता है, एकदम से दादरा तीन ताल में तब्दील हो जाता है। आप गाने वाले के लिए भी, म्यूजिशियंस के लिए भी, और फिर ये कंपोजिशन कैसी है, यानी अल्फाज देखिए, नजर आ लिबासे मजाज में, इसमें जो बात कही गई है वो यही कि काश कभी कभी एक बार, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दुआ थी कि ये वो निज़ाम जिसमें किसी इंसान की कोई ज़रूरत रुकी नहीं रहती, जिसको इस्लाम कहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुरान जिसे कहता, अगर वो कायम हो किसी जगह तो हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। ये उनकी आरजू, और इस आरजू की तकमील हुई हमारे उनके इस ख्वाब की तकमील के ज़रिए से जो पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन हम आज उस मंजिल के बड़े करीब हैं, उस हकीकत मुंतज़र के बड़े करीब हैं जो लिबास मजाज में देखने को इंसान तरस रहे हैं। कोई तो लालाए खूनी कफन से भी पूछे, कोई तो लालाए खूनी कफन से भी पूछे, कोई तो लालाए खूनी कफन से भी पूछे, ये फसल चाक जिगर की है या बाहर की है। वाह 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 वाह, ये फसल चाक जिगर की है। मैं तेरा नाम यूं ना लूं फिर भी लोग पूछ पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आप अपना तारुफ हवा बहार, बहार आएगी मुझको वहशत ना होगी। ये आखिरी शेर मियां मोहम्मद बख्श का है। आसे आसे उम्र गुजारी, आसे आसे उम्र गुजारी, चले खार हजारा, माली बाग ना वेखन देंदा, आइया जदों बहारा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप आए, बहार आई, और कलियों ने ली अंगड़ाई, हर शाख खिली, और ये अल्लाह ताला आपको, भगवान अल्लाह ताला वाहेगुरु आपको खुशियां अता करे कि आप इस कारवान में शामिल हो। आमदे बहार का जो कारवान है, ये कारवान चल पड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी ये जो मूवमेंट है, इसे छोटा ना आप समझिएगा, इसलिए कि जो बात अल्लाह की बात होती है, हक की बात होती है, इंसानों के हकूक की, तो फितरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी, फितरत खुद बहुत आती है और आके उसे खूबियां अता करती है, उसके नाम को बढ़ाती है, बात आगे बढ़ती है। तो ये पैगाम इस उर्दू बैठक के ज़रिए से पाकिस्तान में बहुत जा रहा है अल्लाह के फजल व करम से, और रोशनी की बात है। और यहाँ पे मेरे जब भी कभी कोई दोस्त मिलते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी बात बुरी लगी या आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं उस नबी की सुन्नत पे चलता हूँ जिसने पत्थर खाए थे सच कहने के लिए, और आपको अंदाज़ा नहीं कि वो बातें क्या होंगी जिसकी खातिर एक दुनिया बायकॉट कर दे उस शख्स का, घर से निकाल दे, पत्थर मारे, हर तरीके से उसके साथ जो कुछ भी जुल्म रवा रखना है, सो मच सो कि आप इमेजिन कीजिए किस दर्जा हेट्रेड होगा, कलेजा चबा के खाना,
उनके चचा का, ये जो हेट्रेड होता है ये मज़हब का और मज़हब के मानने वालों का, और वो उनसे हाथ जोड़ के विनती करके यही कहते थे जिनकी सुन्नत पे मैं चल रहा हूँ, ये समझते हुए कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि खुल के वो बातें की जाएं जो कुरान करीम में हैं, जो उनका पैगाम है। इसलिए कि कहने वाले सारे बातें करते रहे लेकिन डर डर के। कुरान में 300 जगह हैं जहाँ पे कहा गया कुल कुल, तू इनसे कह, तू इनसे कह, बोल बोल। तो ये बोलना, तो जिसको मेरे साथ कोई एतराज़ है, मैं अपनी हर रेडियो तकरीर पे भी यही कहता हूँ, वादउ शहदाउकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपने साथ जितने और इंटेलिजेंट लोग हैं उनको लेके आओ और आके मेरे साथ डिबेट करो, सिर्फ इतनी सी कि कैमरा मौजूद हो ताकि आपकी बात भी सुने और मेरी बात भी सुने और फैसला खल्के खुदा करे। ये जंग हक और बातिल की जंग सतेजा कार रहा है अबद से तायम रोज़, चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बूला भी, ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हक कहने वाले मैदान में नहीं आते। और यही चीज़ इन्होंने जो नज़म पढ़ी कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, कि अगर मैं कच्ची बात कह रहा हूँ और वो बात ऐसा आईना है कि वो टूट जाएगा तो फिर भी मेरे मालिक को वो अच्छा लगता है कि कम अज़ कम किसी ने बात करने की जरूरत तो की। तो दैट इज़ बेसिकली माई आंसर टू एनी बॉडी हु हैज़ एनी प्रॉब्लम्स विद वॉट आई हैव बीन सेइंग। इसलिए कि मैं जो बात करता हूँ अकल और फिक्र के पैमाने से है, कोई इमोशनल बात नहीं। बात यही है कि दुनिया में जो कुछ भी हमने खून खराबा और गन मचाया है इसको बहरहाल ख़त्म होना है और हमें उस नए हकीकत मुंतज़र की तरफ बढ़ना है जिसकी इंसानियत मुंतज़र है। वो जब ही मुमकिन होगी जिस वक़्त हम बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस उर्दू बैठक में आने का। थैंक यू। किसी